अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एच बी ड्यूटी सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रही हूं, जिससे आपके हैंड फिट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और वाइट हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी नेक अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है तो उससे भी आप बिना साइड इफेक्ट वाइट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों में बार बार पसीना आने की वजह से हमारी नेक बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, डल पड़ जाती है। धूप में जाने की वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है डल हो जाती है, हैंड फिट की और नेक की, फेस भी हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ हैंड फिट और नेक वाइटनिंग की रेमेडी शेयर करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके ये ज़बरदस्ती हैंड फिट वाइटनिंग रेमेडी कैसे बनी है। तो रेमेडी बनाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर दें, साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप्स सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले फ़ायदा भी आप उठा सकें। तो शुरू करते हैं रेमेडी बनाना। तो जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लीन बॉल ले लिया, इसमें ऐड करेंगे बेसन यानी कि क्रोम फ्लाइट, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा लाइटन और ब्राइटन बनाता है। तो तकरीबन 2 स्पून के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, 2 टेबलस्पून बेसन इसमें चला गया। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, तो जी तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, अगर डल सेल्स हैं तो उसे रिमूव करके हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा वाइट बना देता है। सेकेंड हम इसमें ऐड करेंगे किसी भी ब्लीच का पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून। तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें मैं ब्लीच का पाउडर ऐड कर दूंगी। तो जी ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर ब्लीच का पाउडर ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 20 वॉल्यूम, तकरीबन 1/2 टीस्पून। इससे क्या होगा कि ये अगर हमारे हैंड फिट पे और नेक पे बहुत ही ज़्यादा डल सेल्स एंड डार्क स्किन हो चुकी है तो उससे बहुत ही तेज़ी से हमारी हैंड फिट को और नेक को वाइट बना देगा। तो जी लास्ट पे मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 चम्मच के बराबर मोनिन सॉल्यूशन, जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से ईजिली मिल जाएगा। तो जी लास्ट पे यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ वाइटनिंग पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे ऐड कर ले, अदरवाइज तो आप इसे स्किप भी कर सकते, इसका कोई इशू नहीं है। तकरीबन ये 1 पिंच के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ये आज की हैंड फिट वाइटनिंग ज़बरदस्ती रेमेडी हमारे पास बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसे लिक्विड में बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। तो जी लिक्विड बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर, मैंने इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था, आप भी इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके इसमें ऐड करें। तो इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ सा पेस्ट बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। तो जल्दी से जान लें कि अप्लाई से किस तरीके से करना, आपने अप्लाई करना बहुत इजी है, बनाना भी बहुत इजी है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली अपने हैंड फिट को और नेक को किसी भी अच्छे सोप से वॉश कर लेना, उसके बाद आपने इसे क्लीन कर लेना, क्लीन करने के बाद आपने किसी भी ब्रश की मदद से या फिर फिंगर टिप की मदद से इस तरीके से अपने हैंड फिट पर अप्लाई कर लेना। जब इसे आप फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, जब आप इसे फर्स्ट में अप्लाई करेंगे ना तो इसके शानदार रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन से जो डेल सेल्स है ना, डेल स्किन है वो रिमूव हो चुकी होगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लाइटन दिखाई देगी। तो आपने इसे वीक में 2-3 डेज आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो जी आपने रेमेडी बनाना अच्छे से सीख लिया होगा और लगाने का तरीका भी आपने अच्छे से जान लिया होगा, तो आपने इसे 20 मिनट आपने इसे अपने हैंड फिट पे अप्लाई करना और फिर किसी भी अच्छे सोप से या फिर फेस वॉश से आपने इसे वॉश कर देना और आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूं और आप लाइक भी बिल्कुल नहीं करते। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर दे, साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक कर दे, ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी टिप
सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले फायदा भी आप उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।